i mean, lots of corporates actually are coming forward. we've been reaching out to corporate india for their support, and i've got a great response. power grid corporation of india, one of those corporates to join our Swatch mission. they've already built, by the way, so more than 9,000 toilets in schools across seven states. Uh, we spoke to uh, mr. IS jha, the chairman and managing director, and we asked him uh, what specific role can be played uh, by power grid and what can be done to actually help in, in uh, improving the cleanliness of the country. ये जैसे पावरग्रिड कंपनी को लें तो हम लोग तो पहले से इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं लेकिन लॉ बनने के बाद दो परसेंट आप प्रॉफिट का हम लोग लगाते हैं ऐसे बहुत बड़ा इम्पेटस आया है हर एक कंपनी कुछ ना कुछ सी एस आर में करना चाहती है जिसमें स्वच्छ भारत योजना एक पहलू है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस पर ज़्यादा फोकस है इसलिए सभी कंपनीज पर फोकस देती है तो स्वच्छ भारत को एक हकीकत बनाने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कितना अहम है इसमें एक फायदा क्या कि कि एक तो रिसोर्सेज चाहिए क्योंकि हम लोग पिछड़े हुए हैं बहुत जगह टॉयलेट नहीं है स्कूल में नहीं है तो कुछ पैसा तो चाहिए ही खासकर इच्छा शक्ति चाहिए तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होने से एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है कंट्री की और इससे हम लोग इस टारगेट को अचीव करने में सुविधा होगी तो हमने हाँ। सॉरी इस साल देखिए एनडीटी वी डेटॉल बनेगा स्वच्छ इंडिया कैंपेन में हम लोगों और संगठनों से स्वच्छता के लिए अपना समय देने का प्रण लेने की प्रार्थना करते हैं आप इस पर अपने विचार दे सकेंगे इस स्वच्छ अभियान में ये संविदान कंट्रीब्यूशन का जो अभियान चला है ये बहुत फायदाकार होगा और मैं पावर ग्रिड तरफ से पावर ग्रिड के एम्प्लॉय तब तरफ से प्लीज करता हूँ कि इस साल कम से कम बीस हज़ार मैन ना, माइन आवर्स हम लगाएंगे